लेके आप लोग यहाँ पे? आज शाम के बाद बहुत जगह पर एडीसी का जो रिजल्ट आया हुआ, इसके बाद बहुत जगह पर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया जा रहा है, पार्टी ऑफिस पे हमला किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले 18 का जो विधानसभा निर्वाचन हुआ था वहाँ पर हम लोग ने जीता था और वहाँ पर हुए थे। और अभी ऐसा क्या हो गया जो ये हमला चल रहा है? हम लोग को लग रहा है इसके पीछे एक षड्यंत्र है, जो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है ये। तो हमारे कार्यकर्ता भी तैयार है इसके खिलाफ जाने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हमारे कार्यकर्ता निकल के आए। इसलिए हमारा पुलिस के हस्तक्षेप चाहिए था, तो इसलिए हम लोग आए हैं। उनको बोल दिया गया है आज रात तक सब ठीक ठाक होना चाहिए, और किसी भी हमला कोई भी हमला हो तो पुलिस तुरंत एक्शन ले। साथ में पुलिस का कोई इन्वॉल्व रहे इसके साथ, होलीगेंस के साथ, तो उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर एक्शन लिया जाएगा तुरंत, अभी पहले से वो बोल के रखे हैं, अभी भी एक्शन लिया जाएगा उन्होंने कहा है, आश्वासित दिया है। और हम लोग भी सोचते कि ना प्रशासन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर अभी तक कहाँ कहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट बहुत जगह पे हुआ है, खुआई की तरफ भी हुआ है और ये मंदाई पे भी हुआ है। कार्यकर्ता के घर जला दिया गया है, पार्टी ऑफिस भंग चुके हैं, करीब करीब हर जिले में ये हो रहा है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर ऐसे तो माथा के लोग ये कर रहे हैं, पीछे वामपंथी लोग भी हैं, क्योंकि उनके उन इस तरह का जो इंसिडेंट रहता है उससे पीछे CPM का हाथ रहता ही है। तो ये और माथा मिल के ये सब कर रहा है। BJP के ऑफिस तोड़फोड़ किया जा रहा है और BJP के कार्यकर्ता के घर में ही हमला किया जा रहा है। सर यू ऑल्सो ब्रॉट अ वेरी स्पेशल एलिगेशन दैट देयर मे बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सेक्शन ऑफ पुलिस पर्सन, व्हाई दिस एलिगेशन? ये इलेक्शन से पहले ही कुछ कुछ लोग यह देखा गया है कि उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला है सिक्योरिटी पर्सनल तो नेग्लिजिबल पर्सन है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट है ये उनको देखने के लिए बुलाया हम लोगों ने, तो वो तुरंत एक्शन लेंगे।